जंगल। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का गंगा एक्सप्रेसवे एवं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट समाजवादी एक्सप्रेसवे जो उस वक्त बनकर तैयार नहीं हो पाया, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना उसी प्रोजेक्ट को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से जो 6 लाइन का था बनकर अब तैयार हो गया है, जिस पर खर्च 22,494 रुपये बनकर ये सड़क तो तैयार हो गया है, लेकिन जिस जगह से गुजर रहा है उस जिले की सड़कें बदहाल हो गई हैं। जहां जहां स्टेट मार्ग के ऊपर से पुल बनाकर इस 6 लाइन के एक्सप्रेसवे को गुजारा गया है, उसके नीचे का हाल बदहाल देखकर काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं जिला गाजीपुर के बाराचवर जो परसा होते हुए आपको रसड़ा के लिए सड़क जाती है, उस सड़क पूरी बदहाल हो चुकी है और जहां से गुजर रही है काफ़ी ख़राब हालत में। पूरी सड़क करीब लगभग 10 किलोमीटर तक खराब हो चुकी है और ये भी सड़क आपके विगत 3 वर्ष पहले बनकर तैयार हुई थी। क्यों खराब हो गई? बड़े बड़े ओवरलोड के डंपर इस सड़क पर चलने के कारण ये सड़क काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जनता ये मांग कर रही है कि एक्सप्रेस वे तो ऊपर वाली सड़क बनकर तैयार हो गई जिस पर बड़े बड़े लोग चलेंगे, नीचे चलने वाली सड़क छोटे लोगों की सड़क जो खराब हो गई है, कब ये सड़क बनकर तैयार होगी? जनपद गाजीपुर से खबरें आज भी के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।